गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक। कोरोना लॉकडाउन पीरियड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल पोस्टरल पेन एंड स्टिफनेस के लिए होती जा रही है, जिससे कई सारे लोग इससे अफेक्टेड होते जा रहे हैं, तो इस पर हम आपको कुछ अपनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं। कुछ लेट के एक्सरसाइज हैं, कुछ खड़े होके एक्सरसाइज हैं, कुछ बैठ के एक्सरसाइज हैं। आप विदाउट इंस्ट्रक्टर सुपरविजन, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, आप घर में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो हम अपने लेवल पे जितना भी कोशिश हो रही है मैं आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ, और आप उनको कीजिए। काफ़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपनी पोस्चरल स्टिफनेस जो आ रही है उसको आप बच सकते हैं उन सबसे, और खुद कीजिए, बच्चों को कराइए, घर में और भी जो लोग हैं उन सबके साथ में आप बैठ के कीजिए। जो एक्सरसाइज बेड पे लेटने वाली हैं आप बेड पे लेट के कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई काउच, स्पेशल काउच चाहिए, स्पेशल बेड चाहिए, आप घर में कीजिए। और आज मैं जो आपके साथ एक्सरसाइज जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो आज स्टैंडिंग पोजिशन में है, जिसमें ना किसी इक्विपमेंट की जरूरत है, ना किसी चेयर की, ना किसी बेड की जरूरत है। आप खड़े होके अपने आपकी फिटनेस के लिए सेल्फ एक्सरसाइज कीजिए, जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। तो जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वो एक नॉर्मल पोजीशन में खड़े होके आपको सेल्फ एक्सरसाइज में सिंपली वे में आपको अपने बोथ हैंड्स को स्ट्रेच करना है साइडवेज, दोनों लेग्स को स्प्रेड करना है, एंड इन दिस पोजीशन रिस्ट को 90 डिग्री स्ट्रेच करके, एल्बोज को स्ट्रेट करके, देन विंग्स बनाने हैं साइडवेज ओवर स्ट्रेच। देन इन दिस कंडीशन आप अपनी नेक की पोजीशन को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए बैकवर्ड बेंडिंग करके, और शोल्डर्स को हल्का सा स्क्वीज कीजिए टुवर्ड्स ईयर लाइक दिस। नाउ इन दिस पोजीशन 4 to 5 एक्सरसाइज हैं जो आप बड़े इजीली कर सकते हैं, लाइक नाउ नेक बेंडिंग, शोल्डर्स स्क्वीजिंग, देन बोथ हैंड्स ओवर स्ट्रेचिंग इन साइडवेज लाइक दिस। देन इन दिस पोजिशन रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये कुछ एक्सरसाइज जनरल फिटनेस के लिए है। जिनको नेक में पेन है, कुछ स्टिफनेस है, मिड बैक पे पेन है, पोस्चरल स्टिफनेस है, उन सब में ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, आपको दोनों हैंड्स को जॉइन करना है जस्ट बिहाइंड योर बैक लाइक दिस, या सिंपली आप इस तरीके से आपको उसको पकड़ सकते हैं, एंड स्प्रेड योर बोथ लेग्स सिंपली नाउ ओवर एक्सटेंशन। नेक को अपनी पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर्स को हल्का से स्क्वीज कीजिए, देन हैंड्स को पीछे ले जाते हुए अपने आप को ट्विस्ट कीजिए। नाउ राइट सस्टेंड फॉर 5 सेकेंड, देन लेफ्ट सस्टेंड फॉर 5 सेकेंड। यस, ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक, हिप, नी, फुट एंड मिड स्पाइन, इन सब में आपको काफी इफेक्टिव है। नाउ इसी से सिमिलर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ मिड स्पाइन पे, मिड बैक पे जाके पकड़ लीजिए लाइक दिस, दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए सिंपली, देन अपनी लेग्स को स्प्रेड कीजिए और साइडवेज ओवर स्ट्रेचिंग लाइक दिस। इसी के साथ साथ दोनों हैंड्स को आपस में पुल करना है सिंपली पुल लाइक दिस। यस, ये सभी एक्सरसाइज 4 to 5 रिपीटेशंस एंड 4 to 5 सेकेंड होल्डिंग। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो इसी पोजीशन में दोनों हैंड्स को आप ओवरहेड स्ट्रेचिंग कीजिए, दोनों लेग्स को स्प्रेड कीजिए एंड साइमल्टेनियसली कॉन्टैक्ट योर लोअर बैक
लाइक पीछे अपनी इस बैक को स्क्वीज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए इन दिस पोजिशन. नाउ सिंपली इन दिस पोजिशन कॉन्ट्रेक्शन फेज में आप अपने आप को सिर्फ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कीजिए. लाइक दिस, ये आपकी कुछ एक्सरसाइज ये रही. नाउ कुछ एक्सरसाइज आपको, ये तो स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे एक ही पोजीशन में खड़े होके. नाउ इन्हीं एक्सरसाइज में जो थोड़ी सी एडवांस है, एडवांस एक्सरसाइज है, उसमें क्या है कि आपको एक मसल्स को एक कॉन्ट्रैक्शन देके लोअर कॉम्प्लेक्स को डायनेमिक करना है. सिंपल दोनों हैंड्स को ज्वाइन किया पीछे, आपस में ऐसे पकड़ लिया. नाउ हेड को पीछे की तरफ जितना पॉसिबल है उतना ले जाइए, शोल्डर्स को स्क्वीज कीजिए. नाउ क्रॉस लॉग, क्रॉस लेग वॉकिंग सिंपली. यस, जब करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा कि आखिर ये एक्सरसाइज कहां कहां तक असर करती है. नाउ एक चीज अच्छे से ध्यान रखना है, बहते हुए पानी को अगर रोक दिया जाता है तो वो सड़ जाता है. किसी भी कंपनी की कोई भी कार है, अगर वो खड़ी रहती है तो पुर्जे उसके जाम हो जाते हैं. कुछ ना कुछ कीजिए, अपने लिए कीजिए, साथ में घर के जो मेंबर्स हैं उनको कराइए. और यही मेरा एक सबको अवेयरनेस के लिए जो मेरा एक एम है, सभी फिट रहें इस जो कोरोना लॉकडाउन पीरियड में. अपने आप को फिट रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो. थैंक यू.